Myself K K Prajapat, lecturer in electrical engineering, Government Polytechnic College, Sikar. और मैं आज आपको EE309 subject जो है power system पर उसमें symmetrical component method से line to line fault calculate करने का method और sequence network को कैसे अपन व्युत्पन्न करेंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ. तो line to line fault के लिए हम ये discuss करेंगे. ये एक alternator है 3 case का. इसका diagram मैंने बनाया हुआ है. This is phase A, this is phase B, this is phase C. इनका यहाँ का terminal voltage VA है, ये VB है और C का VC है. Corresponding phase में IA current, A phase में IB current, B phase में IC current, C phase में जा रही है. और ये हर phase का generated EMF का symbol है. और इसको हमने एक ZN impedance से और इसको ground कर रखा है, neutral point को ground कर रखा है. इसमें हम लोग line to line fault के लिए symmetrical component technique से और फॉल्ट कैलकुलेशन करने की टेक्निक बताएंगे कैसे क्या स्टेप होंगे. यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे, अज्यूम करेंगे बी और सी फेज के बीच में फेज टू फेज हो गया, जिसको लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं. तो बी और सी फेज के बीच में लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया है. अब जैसा आपको पहले बताया है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर की सीमांत अवस्थाएं होती है जिसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं. तो वो बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे कि किस फेज के साथ अब क्या क्या हो रहा है, वोल्टेज का और करंट. तो यहाँ हम ये देखेंगे कि बी और सी में जब आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया है तो बीबी और वीसी दोनों का वोल्टेज का फेजर बराबर होगा. तो एक सीमांत कंडीशन मेरी आ गई है बीबी इक्वल टू वीसी. और दूसरी ये देखो आप, फेज बी में से आईबी करंट जा रही है, फेज सी में से आईसी करंट जा रही है, ये लाइन करंट है इनकी. इनका बीजीय योग वो शून्य होगा. तो IB प्लस IC इक्वल टू जीरो, ये दूसरी कंडीशन आ गई है मेरी, IB प्लस IC इक्वल टू जीरो. और तीसरी कंडीशन, क्योंकि फॉल्ट यहां पर B और C के बीच में आया है तो जितना भी जनरेटेड EMF है या वोल्टेज है उससे जो ये शॉर्ट हुआ है तो इसमें जनरेटेड तीनों फेज की सारी करंट वो आपकी B और C के थ्रू ही बहेगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है. मिनिमम पाथ रेजिस्टेंस का इंपेडेंस कहीं मिल रहा है, इसलिए IA में से जो फेज A में से IA करंट जा रही है वो वैल्यू जीरो होगी. तो तीसरी जो हमारी सीमांत अवस्था है उससे हमारा एक इक्वेशन आया, फेज ए में से जो करंट जा रही है आई ए, उसकी वैल्यू शून्य होगी. ये तीन इक्वेशन हमारे बाउंड्री कंडीशन से आ गए. ये आपको देखना पड़ेगा कि लाइन टू लाइन फॉल्ट किस किस फेज के बीच में है, उसके अनुसार आप ये तीन इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसी इक्वेशन आप लिख सकते हैं जब ए और बी में लाइन टू लाइन हो जाए या ए और सी में लाइन. हम यहाँ पर बी और सी को लाइन टू लाइन फॉल्ट मानते हुए और ये बाउंड्री कंडीशन हमने दी. अब इसके हिसाब से, अब जैसे आपका इक्वेशन नंबर 3 है, इसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर. तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि चूंकि आई ए बराबर जीरो, इसलिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉर्म में आई ए वन प्लस आई ए टू प्लस आई ए जीरो इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर आ गया मेरा 4. दूसरा इक्वेशन जो है वो मैं लिखूंगा आई बी प्लस आई सी इक्वल टू जीरो. तो आई बी प्लस आई सी इक्वल टू जीरो, आई बी प्लस आई सी इक्वल टू जीरो में आई बी को भी मैं इसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में लिखूंगा, आई सी को भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में लिखूंगा. तो आई बी को मैं लिख रहा हूँ आई बी वन प्लस आई बी टू प्लस आई बी जीरो, और आई सी को भी मैंने इसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में लिख दिया है, आई सी वन प्लस आई सी टू आई सी टू प्लस आई सी जीरो इक्वल टू जीरो. अब चूंकि हम एबीसी फेज सीक्वेंस को 3 फेज में मानते हुए चल रहे हैं, तो एबीसी फेज सीक्वेंस के हिसाब से और सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फेजर डायग्राम जो मैंने आपको बताया था उससे आप लिखेंगे आई बी वन को आई बी टू आई बी जीरो को आई ए वन आई ए टू आई ए जीरो के रूप में लिखना है, और ऐसे आई सी वन आई सी टू आई सी जीरो को आई ए वन आई ए टू और आई ए जीरो के रूप में लिखना है. ये मैंने आपको पहले बताया है. तो इसमें आई बी वन को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ए स्क्वायर आई ए वन, आई बी टू आएगा ए आई ए टू, और आई बी जीरो आएगा आई ए जीरो, क्योंकि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस बराबर होते हैं फेजर रूप में, मतलब मैग्नीट्यूड और फेज एंगल बराबर होते हैं, इसलिए तीनों राशि बराबर है, आई ए जीरो बराबर आई बी जीरो बराबर आई सी जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहां मैंने सिमेट्रिकल कंपोनेंट ए के रूप में और आई बी के ये तीनों कंपोनेंट को लिख दिया है. ऐसे ही सी के इसमें लिखेंगे तो ये आएगा ए आई ए वन, ये आएगा ए स्क्वायर
आई ए टू और आई सी जीरो जो है वो आई ए जीरो लिख सकते हैं, ये बराबर आ गया। अब इसमें एक जैसे पद वाले एक तरफ रख लो, आई ए वन कॉमन ले लो, बीच में आपका ए स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा इम्प्लाइज है ए स्क्वायर प्लस ए और आई ए वन, ऐसे ही ए आई ए टू ए स्क्वायर आई ए टू को एक जगह लिखो और आई ए टू कॉमन ले लो, तो अंदर रहेगा ए प्लस ए स्क्वायर और ये आई ए टू और आई ए जीरो और आई ए जीरो जो हो गया टू आई ए जीरो। इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट ऑपरेटर ए के एक इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो यहां से हम ए स्क्वायर प्लस ए की जो वैल्यू है बराबर माइनस वन इस समीकरण से और समीकरण नंबर इसमें लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए की जगह माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ए वन आई ए वन, ये हो जाएगा माइनस आई ए टू और ये हो जाएगा टू आई ए जीरो इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया लास्ट में, इसमें इक्वेशन नंबर चार से आई ए वन प्लस आई ए टू की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो, आई ए वन प्लस आई ए टू इक्वल टू ये प्लस टू आई ए जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आई ए वन प्लस आई ए टू की वैल्यू समीकरण चार से रखेंगे, आई ए वन प्लस आई ए टू किसके बराबर होगा माइनस आई ए जीरो के बराबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस तो पहले से बाहर है, माइनस आई ए जीरो आ गया ये और प्लस टू आई ए जीरो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो यहां से आप देखो ये बराबर जीरो, तो ये प्लस आई ए जीरो और प्लस टू है आई ए जीरो, थ्री आई ए जीरो बराबर जीरो, इसमें तीन और आई ए जीरो का गुणनफल जीरो के बराबर है, तो तीन को जीरो के बराबर हो नहीं सकता, इससे वैल्यू कॉन्स्ट है, सो इंप्लाइज दैट आई ए जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जीरो सीक्वेंस करंट में तीनों फेज की जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू बराबर होती है, आई ए जीरो बराबर आई बी जीरो बराबर आई सी जीरो, इसलिए आई ए जीरो आई बी जीरो और आई सी जीरो ये जीरो, ये हमारा जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर पांच है, ठीक है, ये हमने निकाला है दो और तीन के हेल्प से, हमने ये कंडीशन निकाली, ये इसका मतलब ये हुआ कि लाइन टू लाइन फॉल्ट के अंदर जीरो सीक्वेंस करंट का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण जो हमें यहां से जो कंसेप्ट मिला है कि किसी भी दो फेज के बीच में लाइन टू लाइन जो आपका फॉल्ट आता है उसमें जीरो सीक्वेंस करंट का कंपोनेंट एब्सेंट रहता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बाय डिराइविंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम यहां से ये क्योंकि आई ए बराबर जीरो है उससे हमने निकाला आई ए जीरो या आई बी जीरो या आई सी जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब जीरो सीक्वेंस करंट किसी भी फेज की नहीं होती है, ये वैल्यू जीरो सीक्वेंस की चौथे नंबर इक्वेशन में रखें आई ए जीरो बराबर जीरो, हम अगर चौथे इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से ये आ जाएगा इंप्लाइज है आई ए वन प्लस आई ए टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, इट मीन्स आई ए वन इक्वल टू माइनस आई ए टू, ये एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकला है हमारे जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होने की वजह से, इसका मतलब यह है कि किसी भी फेज की पॉजिटिव सीक्वेंस करंट उसके नेगेटिव सीक्वेंस करंट के बराबर होती है विपरीत दिशा में, आपको फेज होती है मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, ठीक है, इसका मतलब यह है एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया है। अब हम नेटवर्क जो बनाएंगे उसमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए नेटवर्क को हम सिमुलेट करेंगे बनाएंगे। अब एक ही कंडीशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन में VB इक्वल टू VC, यहां से हम अगर लिखना चाहें क्योंकि हमने लिखा है VB इक्वल टू VC, तो फेज B का वोल्टेज फेज C के वोल्टेज के बराबर होगा, इन फेज B के वोल्टेज को हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे, ऐसे ही C को सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं VB1 प्लस VB2 प्लस VB0 इक्वल टू
BC1 plus BC2 plus BC0। अब ये B और C के अलग अलग symmetrical component को A के रूप में लिखना है, तो हमारा phase sequence ABC है, उसमें हम जैसे current के लिए लिखा था हमने यहाँ पर, वैसे voltage के लिए लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर VB1 आएगा, A square BA1 plus VB2 आएगा A VA2 और इसको आप VA0 लिख सकते हैं, बराबर। VC1 को क्या लिखेंगे? A VA1 plus A square VA2, ठीक है, plus VC0 को VA0 लिख सकते हैं। तो यहां से देखो VA0 क्योंकि symmetrical component बराबर होते हैं zero sequence के। A square VA1 A VA2, तो VA1 VA1 एक तरफ ले आओ, VA2 VA2 एक तरफ ले जाओ। तो मैं यहां से VA1 को इधर लेके आता हूं, तो ये आ जाएगा A square VA1 माइनस ए बी ए वन, और इधर ए स्क्वायर बी ए टू तो पहले से ही है, और यहां से माइनस ए बी ए टू, यहां से बी ए वन कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी ए वन, और यहां से बी ए टू कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकलता है कि फेज सीक्वेंस वोल्टेज किसी भी फेज का पॉजिटिव फेज सीक्वेंस वोल्टेज उसके नेगेटिव फेज सीक्वेंस वोल्टेज के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 7। तो हमारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट को मैथमेटिकली जब हमने तीन कंक्लूजन निकाले हैं, पहला कंक्लूजन तो ये है कि अगर किसी भी थ्री फेज सिस्टम में अनलोडेड अल्टरनेटर में लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है तो वहां पर जीरो सीक्वेंस करंट का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, वो हमने यहां से निकाला मैथमेटिकली प्रूव किया। और ये जब जीरो होता है तो उसकी किसी भी फेज की हम जो बात कर रहे हैं उसमें किसी भी फेज का पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का कंपोनेंट उसके नेगेटिव सीक्वेंस करंट के कंपोनेंट के बराबर होता है एंड ऑपोजिट फेजर में होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट निकला है कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारा आया था बी और सी के बीच में, लाइन टू लाइन फॉल्ट आया था, सॉरी लाइन टू लाइन फॉल्ट बी और सी के बीच में हुआ, तो जो बचा हुआ फेज था उसके पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज कंपोनेंट बराबर होते हैं, VA1 बराबर VA। इन तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से मैथमेटिकली जो हमने डिराइव किए हैं, इससे हम नेटवर्क को अब सिंथेसाइज करेंगे, सिमुलेट करेंगे, जैसे हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में किया था, ठीक है। अब यहां पर आप कैसे करेंगे, देखो जीरो सीक्वेंस को नेटवर्क आएगा नहीं, इसमें आपके पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दो सीक्वेंस नेटवर्क की चाहिए, उनको जोड़ना है हमें, इनको देखते हुए कौन सा पांचवा कंक्लूजन छठा कंक्लूजन और सातवां, इनसे हमें ये देखना है कि जोड़ें कैसे। तो अब आप इनसे आप सिंपली जो न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक है उससे आप देख लें कि कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि लाइन टू लाइन फॉल्ट के अंदर हमें सिर्फ दो सीक्वेंस नेटवर्क चाहिए, एक तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, एक नेगेटिव सीक्वेंस, क्योंकि जीरो सीक्वेंस का कंपोनेंट ही नहीं है तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमें नहीं चाहिए। अब मैं एक बार आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों बना के बता रहा हूं, फिर उनको कैसे कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या आता है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क आप देखो, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और यहां पर जीरो सीक्वेंस का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जीरो सीक्वेंस करंट नहीं है तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज नहीं है, ये हमने पॉजिटिव सीक्वेंस का बना दिया, ठीक है। और ये हमने पॉजिटिव सीक्वेंस का जो भी वन से लिखा जाता है, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए Z1, नेगेटिव सीक्वेंस के लिए Z2 और जीरो सीक्वेंस के लिए Z0 इंपीडेंस है, ये हमने पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिया, ये हमारी IA, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस का भी वो भी बनाओ, नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता था, ये हमारा नेगेटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस का इंपीडेंस Z2 से बताते हैं, और इसमें जनरेटर वोल्टेज होता नहीं है, ठीक है।
ठीक है, और ये हमारी करंट आई ए टू, ये हमारी करंट आई ए वन, और ये हमारा वोल्टेज है डी ए टू। जीरो फ्रीक्वेंस आपका कोई नेटवर्क, क्योंकि कंपोनेंट नहीं है तो नेटवर्क भी नहीं होगा, ठीक है। अब इनको हमें जोड़ना है जिससे हमारी ये कंडीशन, वो तो है ही नहीं आई ए जीरो, तो जीरो तो हमने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये कंडीशन और ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अब आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस का नेटवर्क किसमें लाइन टू लाइन फॉल्ट के अंदर, इनमें ऐसे जोड़ो, इनको ऐसे कनेक्ट करो कि ये कंडीशन और ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाए। तो बताओ कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। कैसे? इस प्रोग्राम देखो आई ए वन, देखो यहाँ से देखो आई ए वन और आई ए टू दोनों समान है लेकिन ऑपरेटर विपरीत दिशा में। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये आई ए टू किधर जा रही है, आई ए वन किधर जा रही है, इसका मतलब ये कंडीशन